फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल आर के क्लासेस। तो आपके 12th क्लास के जो है बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 27 से हैं, ओके 2024 के जो एग्ज़ाम है। तो यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें ओनली क्वेश्चन आंसर आपको खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसी से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट के इसमें लिखे हैं, हर एक चैप्टर में से काफ़ी। तो कुछ चैप्टर तो इस वीडियो में कवर कर लेंगे, और बाकी कुछ चैप्टर जो है हम पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हो इसलिए, तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और बाकी जो वीडियो बनेंगे उसको आप सर्च करते ना, उसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है, इन्वर्स एंड डिफ्रेंसीबिलिटी से कुछ क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें क्या है, प्रूव दैट टेन इन्वर्स 1/5, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, पाई बाय 4 की। ओके, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर सॉल्व करना। ओके, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी और पेपर में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ओके, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप इनको टिक वगैरह जो भी है आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले सकते हो, वरना वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्रूव दैट लाइक दैट दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट 9π/8 माइनस इतना इक्वल टू इसके बराबर होगा, तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो इस दोनों का अलग अलग हमें सॉल्व करना होगा। ओके, नेक्स्ट दे रखे हैं कुछ, फाइंड द वैल्यू साइन टेन इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, प्रूव दैट, तो साइन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स एक्स को हमें क्या बनाना होगा, साइन के फॉर्म में, तो ऐसा कुछ सॉल्व करना है इसको। ओके, आप ट्राई करना, अगर नहीं आता तो इनकी वीडियो आंसर की मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, वीडियो को पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हो। फाइंड dy/dx फाइंड आउट करना है, वाई इतना दे रखा है, sec इनवर्स डायरेक्ट चेंज करना है, अब इसको sec इनवर्स है तो यहाँ पर तुम्हें कहीं sec बनाना होगा। ओके, फाइंड dy/dx y की पावर x है, x की पावर y, तो इसको log के फॉर्म से करना होगा, वो करते हैं ना टेकिंग log बोथ साइड, उस चैप्टर 5.7 में आई थिंक, ओके 5.6 में आई। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ़ e की पावर y x प्लस 1 है इक्वल 1, सो दैट डबल डिफरेंशिएट किसके बराबर होगा, सिंगल डिफरेंशिएट का स्क्वायर के बराबर। तो ये भी आपका बुक में से क्वेश्चन है, सारे ये बुक में से हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने बनाया है। नाइन्थ क्या है, इफ cos y कितना है हमारा, x cos a प्लस y विद cos अल्फा इज cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस 1। ओके, प्रूव दैट क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट किसके बराबर, इसके बराबर लेके आना है। ओके, तो डिफरेंशिएट करोगे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बाकी आ जाएगा, ट्राई करना। नेक्स्ट क्या है, इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इतना है, तो फाइंड dy²/dx², तो इसमें एक्स का निकालना होगा, इसमें वाई का, तो इसमें क्या आएगा dx/dt और यहाँ से क्या आएगा dy/dt, यही निकलेंगे ना डिफरेंशिएट, फिर ये डिवाइड बाई ये करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपरों में आने वाले हैं। ओके, और कुछ देख लेते हैं, तो ये हमारा एक नोट मैंने बनाया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स का क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुल 8 क्वेश्चन मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हीं में से हमारा आता है। ओके, तो क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वरना बुक खोल के बैठ जाओ, वहाँ पर टिक मारते रहना। ओके, तो ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेडिंग अगेंस्ट द बॉल, ठीक है, क्या बोल रहा है, सिंपल इसमें कि तुम्हें एक लेडर दिया है ना, इस तरह की तुम्हें लेडर गिवन, ये क्या है, बॉल से सटी हुई है, दीवार से। ओके, तो इसको क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ किसी स्पीड से खींच रहे हैं, वो क्या हमारा 2 सेंटीमीटर/सेकेंड की स्पीड से इसको पीछे खींच रहे हैं, तो इसको खींच रहे हैं यानी कि ये बढ़ेगा और हाइट क्या होगी, छोटी, तो ये चेंजिंग हो रहा है, ये तुम्हारा 6th चैप्टर का दिया हुआ है। ओके, तो वहाँ से दिया, इसको सॉल्व करना है, सेव्ड इज प्रूइंग सेंड, ये लिखा है सेंड, रेत होता है ना जो, सेंड इज़ प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप ऑफ द रेट ऑफ इतने, तो एक पाइप से रेत गिर रही है, वाला क्वेश्चन भी आप शायद आप लोगों ने किया होगा, तो इसको भी ट्राई करना है। ओके, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ठीक है, तो इंटरवल फाइंड आउट करना है, ये स्ट्रिक्टली कहाँ डिक्रीज हो रहा है, कहाँ इंक्रीज, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट निकालते हैं, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो किसके बीच, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच लाई करती है, और फिर चेक करते हैं, मान लो एक्स की वैल्यू मेरी 1 आई है ना, तो क्या करते हैं, इनके बीच की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, और फिर चेक करते हैं, अगर माइनस आया तो इंक्रीज होता है, सॉरी माइनस आया तो डिक्रीज होता है,
पॉजिटिव आया तो इंक्रीज होता है, वो इंटरवल होते हैं हमारे, ओके। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो दैट वाई इक्वल टू इतना इतना इज इंक्रीज फंक्शन एक्स थ्रू द इट्स डोमेन, ठीक है। तो इसको सिंपली इंक्रीज फंक्शन बताना है, किस फंक्शन पे ये इंक्रीज हो रहा है। तो सेम जो इसमें करेंगे, फॉर द कर्व दिस ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, फाइंड ऑल द पॉइंट, यानी कि सिंपल इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बस, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप ओ विच आर टेंजेंट टू द स्लोप दिस, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करके करना है। अब याद रखना ये हमारा क्या होगा, जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, वो क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ओके। तो ये टर्म जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द कर्व एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस कट एट राइट एंगल इफ़ एट इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ आएंगे। प्रूव दैट द वैल्यूम वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट, ये हमारा 6.5 में आई थिंक, ओके। तो 6.5 में ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 21 से लेकर के 26 तक है, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन उस तरह से दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया वॉल्यूम इज साइन इतना है, ओके। तो ये भी हमारा 6.5 की में से दे रखा है, ओके। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में तो अभी मैं ये दो हमारे क्या हो गया, इनवर्स एंड डिफ्रेंशिएट, और नेक्स्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स, ठीक है। तो ये दो चैप्टर के मेन जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, और कुछ ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।